आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पिकसार्ट से कैसे बनाते हैं। सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो धार्मिक स्थलों पे अर्जेंट फ़ोटो देते हैं, उन फोटोग्राफर के लिए है जो कि उन लोगों के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाने लोग आते हैं तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचते हैं तो सही, पर उसको निकाल नहीं पाते सही तरीके से। तो वो किस तरह से बनते हैं पासपोर्ट साइज और किस तरह से वो फ़ोन कनेक्ट करके हम निकालते हैं पासपोर्ट साइज को, तो अभी हम वही टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम टॉप वीडियो को चालू करेंगे। तो अभी मैंने अपना पिकसार्ट ओपन करके रखा है तो उन पिकसार्ट में से ही मैं अपना फ़ोटो चॉइस करूँगा और आपके सामने पिकसार्ट में ही फ़ोटो बनाऊँगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि ध्यान देना है किस तरह से मैं बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ। तो आपको पहले तो कोई भी अपना एक कोई भी फ्रेंड से कंप्यूटर है फ्रेंड के पास, तो उससे आप एक पासपोर्ट साइज़ बना के अपना मोबाइल में डाल के रखिए, क्योंकि वो ही आपको ज़्यादा दर आपको मदद रूप रहेगा, क्योंकि उस पर ही आपको प्रिंट को लेना है। तो वो जो आप कंप्यूटर से बना के रखोगे तो उसमें आपको जो प्रिंटर में से क्वालिटी निकलेगी वो आपको बहुत बढ़िया अच्छी मिलेगी। तो पहले वाले दो फ़ोटो पे ही मैं अपना पासपोर्ट साइज बनाने वाला हूँ। तो अब इसमें से देखो, इस तरह से मैं कोई भी आप एक पासपोर्ट साइज ले सकते हो। तभी मैं इसमें से एक पासपोर्ट साइज लूँगा, तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक पासपोर्ट साइज ले लिया आपको दिखाने के लिए। तो उसमें हम काम करेंगे और कैसे करेंगे वो सब आपको बताएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम पासपोर्ट साइज बना रहे हैं। तो हमने एक फ़ोटो को लिया है, ऐड फ़ोटो में जाके एक ऐड फ़ोटो किया है, तो उसका जो पहले हम ऐड फ़ोटो का साइज़ है वो पासपोर्ट साइज़ से कंप्लीट करेंगे, तो उसको कटिंग करके हम पासपोर्ट साइज वाला बना देंगे। ये सिर्फ एक सेकंड का ही काम है, अब एक बार सीख जाओगे तो पूरा आ जाएगा। तो अभी इसको हम जूम करके थोड़ा सा इसको पासपोर्ट साइज को बड़ा करेंगे और नीचे वाला जो पासपोर्ट साइज है उससे हम एक सेटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम चारों कोनों को हम एक तरह से सेटिंग करेंगे। तो बस सब यही करना है। और एक बात मैं बता दूं कि इस तरह से ही आपका जो पासपोर्ट साइज है वो फटाफट बन जाएगा। ये तो सिर्फ वीडियो में ही मैं आपको लंबा इस वीडियो में इसलिए लंबा मैंने वीडियो बनाया क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप एक एक कड़ी समझोगे तभी जाके आप फटाफट काम करोगे, क्योंकि जितना ही आपके मन में उतरेगा उतना ही आप फास्ट करोगे। इसलिए मैं आपको यहाँ एक एक करके फ़ोटो सारे दिखाऊंगा कि किस तरह से बनता है। देखो दोस्तों, अभी इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगा है। तो अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहा तो मैं अगला वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, वो भी बिना जो स्क्रीन वाला प्रिंटर आता है जिसमें हम मोबाइल कनेक्ट नहीं कर सकते, पीसी कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं अच्छा पीसी कनेक्ट कर सकते हैं पर मोबाइल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें वाईफाई नहीं होता है, वाईफाई बिना का जो प्रिंटर होता है उसमें हम अपना मोबाइल कनेक्ट एंड्रॉइड मोबाइल नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो वीडियो आप देखना ना चुके इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये वीडियो एंड कोई भी वीडियो में फ़ोटो की लाइक होगा तो वो मैं इसमें डालता रहूँगा। तो अभी मेरा जो पासपोर्ट साइज है मैंने एक एक करके सबको सेटिंग से एक लाइन कर दिया है। तभी आपको ध्यान देना है कि कोई आगे पीछे तो हुआ नहीं है, क्योंकि पिकसार्ट में एक ब्लू लाइन आता है उसको आप ध्यान से देख के कर लीजिए। देखो ये ऊपर हो रहा है ब्लू लाइन, वही ब्लू लाइन को आप सेटिंग करके रखिए, हो जाएगा। और अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाऊंगा पासपोर्ट साइज। तो ये भी पासपोर्ट साइज हो गया है रेडी। तो इसको मैं अब निकाल के थोड़ा कलर बैलेंस कर लेंगे। तो आपको कलर बैलेंस को थोड़ा कुछ आता होगा तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो भी उसको मत कीजिए, वो फ़ोटो को सिर्फ अपना ब्राइटनेस बढ़ा के रख के उसको इस तरह मैंने आगे का प्रोसेस बताया वैसे ही आप करना है। तो इसमें मैं थोड़ा कलर बैलेंस करके थोड़ा सा कुछ कलर बैलेंस कर लेता हूँ, क्योंकि आपको जो दिखाना है पिक्चर क्वालिटी किस तरह से आती है।
तो दोस्तों एक बात करूँ कि अपने पास L810 सीरीज़ का प्रिंटर है जो अभी लॉन्च हुआ था, वही प्रिंटर है मेरे पास, इसलिए मैं उसी में ही निकालूंगा, क्योंकि उसमें वाईफाई नहीं आता, सिर्फ डिस्प्ले ही आता है, इसमें मैं मोबाइल कनेक्ट करके ही निकालने वाला हूँ। तो अब मेरा पीछे तक वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी आउटडोर लोकेशन पे ही फोटोग्राफर हूँ, तो वहीं पे ही अर्जेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देता हूँ, या 4x6 पासपोर्ट फ़ोटो देता हूँ, A4 का फ़ोटो देता हूँ, 5.7 का भी फ़ोटो दे रहा हूँ मैं। तो अब मेरा वीडियो देखिए और अपने जो कस्टमर आते हैं उसको जाने नहीं देना है, क्योंकि वो कस्टमर ही हमारा भगवान होता है, हम उसको जाने दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो मेरे चैनल में आप एक कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसको मैं पूरा कलर बैलेंस कर चुका हूँ, ये थोड़ा सा कलर करके उसको मैं फिर से अपने मोबाइल में सेव करके रख लूँगा। तो अभी ये वीडियो मेरा होने वाला है पूरा, तो अभी इसको मैंने सेव करके रख लेता हूँ, और नेक्स्ट एक भी फ़ोटो मैं आपको दूसरा फ़ोटो लूँगा जो बच्चे का है, उस फोटो में भी आपको पासपोर्ट साइज बना के आपको दिखा दूँगा, क्योंकि आपको अगर अगले वाले वीडियो में आपको पता नहीं चला, मतलब आपके जो आगे वाले फ़ोटो देखा उसमें पता नहीं चला, तो इसमें आपका जो गलती समझने की रह गई है, या फिर कुछ गलती मेरी भी रह गई है, तो इस दूसरे वाले फ़ोटो में हमको क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब ये भी फ़ोटो का एडिटिंग आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने जो पीछे ये पहला फ़ोटो बनाया है उसी पे ही मैं दूसरा फ़ोटो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको हर बार ऐसा ही करना है, जो आप पहले वाले फ़ोटो पासपोर्ट साइज बना के निकाल देते हो तो उसको फिर से इसमें डालना है। तो हम दूसरा फ़ोटो ले लिया है, तो इसका भी हम क्रॉप करके इसके अंदर फिर से हम पासपोर्ट साइज़ बना देंगे, क्योंकि इसमें हम उसी पे ही हम जूम करके फिर इसके ऊपर सेटिंग करेंगे। तो एक बार हम इसको जूम करके सेटिंग करना है, इसके साइज़ को, कौन से पीछे वाले फ़ोटो की साइज़ को हम सेटिंग करेंगे, जो पीछे वाला फ़ोटो है उसके साइज़ को हम सेटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हो कि चारों कोना हमने सेटिंग कर लिया कंप्लीट, उसके साथ बाजू में अभी उसको जो डुप्लीकेट ऊपर से वो क्लियर वाला है उसको क्लियर में से हम एक डुप्लीकेट फ़ोटो खेल ले लेंगे। तो ये सब सेटिंग करना है आपको पूरी तरह से, जो चार लाइन होती है एक, मतलब एक पासपोर्ट साइज वाला फ़ोटो ही आपको सेटिंग करना है किस तरह से रहेगा। उसको सेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हम उसका डुप्लीकेट फ़ोटो निकालेंगे। ये आप देख रहे हो मूव और मूव डाउन दोनों ही है लिखा हुआ, तो वो मूव डाउन एंड मूव अप उसके बाजू में है डुप्लीकेट, तो उस पर ही हम डुप्लीकेट फ़ोटो इसका ले लेंगे जो दूसरे साइड हमको काम आएगा। तो अभी ये मैं अच्छी तरह से उसका एक बार मैं कटिंग करके फिर से उसको लगा देता हूँ, और उसके बाद जो डुप्लीकेट फ़ोटो है वो मैं ले लेता हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से एक बार फिर से सेटिंग करके ले लेता हूँ, दोनों चारों ओर के जो कोने होते हैं वो चारों ओर का कोना में सेट करके इसको सेटिंग कर लेता हूँ। अभी ठीक तरह से हो नहीं रहा तो इसको मैं ठीक तरह से कर दूँगा। इसका मैं डुप्लीकेट अभी मैंने इसका निकाल दिया है, अभी डुप्लीकेट को भी देखो, ये तीन लाइन ब्लू कलर की आ रही होगी, वो तीन कलर की ब्लू लाइन आपको दिखेंगी, बस वो तीन लाइन ब्लू कलर की है, वो भी ऊपर वाले फ़ोटो के लाइन में और नीचे वाले फ़ोटो के लाइन में ही आपको देखना है। जैसे जैसे आप उसको सेटिंग करते जाओगे वो ब्लू लाइन कंप्लीट होती जाएंगी, वो आपको दिखाएंगा कि फ़ोटो लाइन में ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको लगाने में, सिर्फ 2 मिनट में आप बनाएंगे पासपोर्ट साइज, 1 मिनट में निकल के आप कस्टमर को दे सकते हैं, इस तरह का जुगाड़ मैंने किया है। तो इतना ज़्यादा तो मैंने दोस्तों मेहनत करके बनाए हैं, तो आप एक लाइक यानी एक सब्सक्राइब तो हमको दिला सकते हो ना, तो प्लीज़ यार इतना तो काम कीजिए, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही हम यूट्यूब पे अभी आए हैं नए नए। तो मैं ऐसे ही करके सारे फ़ोटो इधर में फटाफट
लगा देता हूँ और वीडियो को यहीं से आगे में लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को पीछे भी लेके बताना है कि इसका प्रिंट कैसा है, रिजल्ट कैसा है, वो सब अभी मेरे को दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको फटाफट लगा देता हूँ। अब दो तीन फोटो ही बाकी है, बस इसको फटाफट कर देता हूँ और आप समझ जाओगे कि इस तरह से ही करना है। और दो तीन बार जब आप कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये फ़ोटो तो हमारा रेडी होने वाला है और ये फ़ोटो हमारा रेडी हो गया। इस यहाँ भी हमारा दोनों फ़ोटो रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको इसका भी प्रिंट निकलवा के दिखाऊंगा। मेरा जो फ़ोटो है दोनों ही सेव हो गया है। अभी मैं इसका जो एप्सन का L810 मेरे पास प्रिंटर है तो उसमें आपको दिखाऊंगा। अभी मैं एप्सन का जो मेरे पास एप्लीकेशन है वही एप्सन का एप्लीकेशन में ओपन करूंगा मेरे फ़ोन के अंदर, वो आप देख सकते हो। ये रहा एप्लीकेशन एप्सन प्रिंट का, तो मैं ये ओपन करूँगा। और मैंने पहले से ही L810 सीरीज़ का प्रिंटर है वो सिलेक्ट करके रखा है। तो अभी जो ऑप्शन प्रिंट फोटो है उसमें जाएंगे और मेरा जो प्रिंटर है वो चालू करूँगा। तो अभी मेरा प्रिंटर ऑन हो गया है, तो अभी थोड़ा लोडिंग कोई पेपर अंदर मेरा पहले से ही जम है तो उसको मैं बाहर निकालूंगा। मैं आगे भी वही फ़ोटो आपको मेरे मोबाइल में से ही निकाल के आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं कि लाइव के देखो यही से ही मेरा फ़ोटो डालूंगा और वो वापस निकलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो मेरा ध्यान से देखिए और आप एक बार सीख जाओगे तो आपका कस्टमर जाएगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अच्छी क्वालिटी का पेपर जो आता है वो बेस्ट क्वालिटी का कोडक का पेपर होता है। वही पेपर आप यूज़ कीजिए, हाई ग्लोसी यूज़ कीजिए, सस्ते वाले मत यूज़ कीजिए, ज़्यादा आपका प्रिंटर टकेगा नहीं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप कोडक का अच्छा रहेगा वही आप यूज़ कीजिए। तो अभी मैं एप्सन वाले एप्लीकेशन में वापस आ गया हूँ, इस फ़ोटो का मैं प्रिंट करूँगा। इसका प्रिंट होने का प्रोसेस अभी चालू है। इसको ख़त्म होने के बाद यहाँ मैं प्रिंटर पे आपको दिखा रहा हूँ प्रिंटिंग हो रही है। उसके बाद उसका जो प्रिंटर का जो पेपर हम डालते हैं वही का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो का प्रिंट जा रहा है, इसका मतलब आप फ़ोटो प्रिंट हो रहा है। तो जो हमने दूसरे वाली कॉपी जो बनाई थी फ़ोटो की वही वो निकल रही है। जो इसके बाद जो मैं दूसरा फ़ोटो निकालूंगा उसका भी आपको मैं बताऊंगा। देख सकते हैं आप कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा है और कितना बेस्ट है। पिक्सआर्ट से आप बनाए हुए फ़ोटो कोई भी उसका फेल नहीं जाएगा, आप बना सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आपको मैंने बना के दिखाया, आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल के अंदर जो हमने पिक्सआर्ट पे बनाए थे। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटो बना के रखे हैं ऐसे और मैं ऐसे ही सबको प्रिंट देता हूँ। पासपोर्ट साइज अर्जेंट आता है कोई भी ग्राहक कस्टमर तो मैं हम उसको ऐसे ही निकल के दे देते हैं बना के। ये सिर्फ वीडियो बनाने का जो मिडिल लेवल का जो फोटोग्राफर है, आउटडोर वर्क करते हैं, जिसके पास कम बजट है, जो PC नहीं ले सकते, उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है क्योंकि उसके पास PC होता है और वो PC से ही बना देते हैं, तो उसमें अच्छा बेटर क्वालिटी होता है। पर इसमें भी कुछ गुड क्वालिटी का फ़ोटो मिलता है और कस्टमर जाएगा नहीं, काम भी निकल जाएगा और पैसे भी कमा लेंगे। तभी दूसरे वाला हम फ़ोटो प्रिंट करके आपको उसको भी हम आपको उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, आपके सामने ही मैं प्रिंट दे रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइए। देख सकते हैं कि ये प्रिंट वाला बटन है वो मैं दबा के ही आपके सामने ही प्रिंट दे रहा हूँ। आपको नहीं पता है कि मोबाइल प्रिंटर से कैसे कनेक्ट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और अभी मैं ये प्रिंट का बटन दबा के इसका जो प्रिंटिंग का प्रोसेस मैं पूरा करूँगा। तो अभी ये मोबाइल में देखो प्रिंट का प्रोसेस हो रहा है। अभी मैं आपको प्रिंटर की ऊपर दिखा रहा हूँ, देखो प्रिंट भी निकल गया है और उसका जो पूरा प्रिंट दोनों का है वो मेरे पास आ गया है। दोनों फ़ोटो का प्रिंट आ गया है, तो आप देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी है और कैसी
फोटो आ रही है पिक्सआर्ट से बनाया हुआ पासपोर्ट, आप दोनों साइड से देख सकते हो। दोनों फ़ोटो में आपको अलग अलग दिखाऊंगा। मेरा एप्सन L810 प्रिंटर है, फ़ोटो प्रिंटर है, आप ध्यान से सुनिए। और उसको मैं मोबाइल से ही चला रहा हूँ, डिस्प्ले वाला है फिर भी मैं मोबाइल से ही चला रहा हूँ, मोबाइल में ही बनाता हूँ। मैं लोकल फ़ोटोग्राफर हूँ भाइयों। आपको भी सीखना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक वीडियो और डालूँगा जो मोबाइल अदर प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करता है। थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।